अभी जो हम काम कर रहे हैं लेक में एंट्री कर चुके हैं और वैसे तो टाइमिंग इसकी 10 बजे की है। तो अब इस लेक की खास बात पता क्या है, ये जो लेक है बीचों बीच है अहमदाबाद के, और इस लेक के सराउंडिंग में जो है बहुत प्यारा गार्डन बना हुआ है, वॉकवे बना हुआ है, और साथ में जो एक छोटी सी ट्रेन चलती है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बोटिंग होती है नीचे इस जगह पे, तो आप बोटिंग भी कर सकते हो इस जगह पे। और इस लेक के जो है 7 गेट हैं, दूसरा बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट, और रेस्टरूम्स है साइड में, हर मतलब 500 मीटर के वॉकवे के बाद या 200 मीटर के वॉकवे के बाद आपको रेस्टरूम मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मतलब प्लेस है, और काफ़ी पंछी वगैरह आते हैं इधर, यहाँ पे बर्ड्स देखने मिलेंगे आपको। ये जो है सुबह का नज़ारा है यहाँ पे कांकरिया लेक का, वो है जो सामने देख रहे हो मैप जो है बना हुआ है कांकरिया लेक का, किधर क्या है। तो मैंने जो एंट्री करी थी गेट नंबर 1 से करी थी, पुष्कुंज गेट नंबर 1 से, और अभी जो मैं खड़ा हूँ वो जो है नगीनावाड़ी गेट नंबर 7 है, इस जगह भी खड़ा हूँ। तो दोनों गेट जो है आसपास है, और जो बीच में जगह है सेंटर में उसको बोलते हैं नगीनावाड़ी। तो इधर जो है लिखा हुआ है बटरफ्लाई पार्क है, इधर ट्री वॉक है, गोल्फ कोर्स है, बैलून सफारी है, ओपन एयर थिएटर है, एक्वेरियम है, वन ट्री हिल गार्डन है, जू है, और ट्रेन टिकट विंडो, ट्रेन स्टेशन है, बोटिंग, एम्यूजमेंट पार्क और बाल वाटिका। तो ये सब जो है 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो मतलब क्या कहना, एक ही जगह सब चीज़ रख दी, हर बंदे को कुछ कर दिया इन्होंने, बच्चों से लेके बड़ों तक को। तो ये जो लेक है कांकरिया लेक, इस जगह पे जो है हर किसी को जो है मज़ा आने वाला है। तो पहले हम चलेंगे जू में, टिकट हम यहाँ से लेंगे, एक टिकट देना सर, ये दोनों में चलेगा, एक आगे नवाब है वहाँ भी। अरे दोनों में चलेगा, चलो अच्छी बात है। तीन नंबर गेट पे दूसरा नवाब, तीन नंबर गेट पे दूसरा नवाब बना, उसमें भी चलेगा टिकट ये। और टिकट जो है 50 रुपए का है, थैंक यू, हाय। एंट्री इधर से कहीं आ गए, टिकट बारी, लो सर टिकट ले जाओ। तो ये जो टिकट है दो जगह एप्लीकेबल है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो है दो जगह एप्लीकेबल है, और इधर जो है पूरा बता रखा है कि आपको जू में क्या क्या देखने में मिलेगा। तो हमने यहाँ से एंट्री करी है, इसकी दो एंट्री है, एक गेट नंबर 1 है, और अब जो हम आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, और इधर जो गेट नंबर 2 है, और फिर ये एनिमल देखने मिलेंगे आपको, लियोपार्ड दिख जाएगा, टाइगर दिखेगा, डियर दिख जाएगा, बियर दिख जाएगा, एशियन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, और जू का हॉस्पिटल भी बना रखा है यहाँ पे लाइफ में, सुपर वाइकर ने बड़ा सुंदर है। और ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं वाइट हिरन, देखो लो है ना सामने ना, वो बहुत छोटी जगह में रखा हुआ। और ये जो है सबसे खतरनाक जानवर दूर से जो है अपना, जिसके पंख है वो फेंक के मारता है, बड़े नुकीले होते हैं इसके पंख, जहरीले होते हैं, प्रोक्यूपाइन जिसको बोलते हैं, इसको प्रोक्यूपाइन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो रात का नज़ारा है कांकरिया झील का, और ये आई थिंक मेरा तीसरा चक्कर होगा, मैं सुबह आया तो उसके बाद दोबारा 11 बजे आ रहा हूँ, देन अब जो है इवनिंग में आ रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये झील इतनी प्यारी है कि ये जो है सामने बोट है, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, देखो तो अभी हम बैठेंगे अटल एक्सप्रेस में, और यहाँ से जो है आप टिकट ले सकते हो। और जो टिकट है एडल्ट के लिए 30 रुपये की है, और चाइल्ड के लिए 12 रुपये की है। तो अभी जो है ट्रेन आने वाली है, तो हम जो है प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। इतना मैं आपको झील के रंग दिखाता हूँ, देखो एकदम से रंग बदलता है झील के,
कभी नीला हो रहा है, कभी वाइट हो रहा है। तो मैंने देखा नहीं ऐसा डेवलपमेंट कहीं पे, अभी भी मैं इंडिया में कहीं पे गया हूँ। पर ये जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छा है। ये आ गई हमारी ट्रेन, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना, साथ सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है अगली वीडियो आप मिस ना कर दो। इधर जो है खाने पीने के स्टॉल्स हैं, तो आप सामने देख रहे हो, हर तरीके की आपको यहाँ चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। और इधर जो है एम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है, साथ में देखो झूले लगे हुए हैं, तो ये जो है आपको हर कॉर्नर में मिल जाएंगे। जो ट्रेन है ना वो मतलब उसी स्टेशन से ला के घुमा के जो है पूरा राउंड सर्कल, तो वहीं पे छोड़ती है। तो लाइट एंड साउंड शो उधर की तरफ चलता है, तो बीच में नागोरी गार्डन है, तो वहाँ पे जो है लेजर शो होता है, तो अभी जो है हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये जो है रात का नज़ारा है लाइट एंड साउंड शो का जो आप देख रहे हो, और बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ पे। और 20 रुपये सिर्फ इसकी मात्र टिकट है, तो कोई भी आ सकता है। और ये जो है शाम को ही चलता है 6 बजे के बाद, मतलब हर आदमी का प्लेस है, बच्चे का, बूढ़े का और एडल्ट का। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई आदमी यहाँ पे आके बोर होने वाला है। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक दिन रहने वाली है, ये परमानेंट है। और यहाँ पर जो है कार्निवल होता है दिसंबर में, तो जब कार्निवल चलता है ना तब अलग ही मतलब नज़ारा होता है यहाँ का। और अभी देख रहे हो अभी कैसा लग रहा है आपको, मतलब कार्निवल होगा तो सोचो मतलब क्या होगा। तो कार्निवल यहाँ पे 10 दिन के लिए चलता है। डबेली बना दो एक मेरे लिए, तो पहली बार सुना डबेली मैंने यहाँ पे। अच्छा पाव भाजी तो नहीं बोलते, जब ऐसा तो फील होता है पाव भाजी तरह। पाव भाजी अलग होता है। अच्छा इसको भर के बना के दोगे आप? हाँ, वो भर के बना। हमारे यहाँ इधर पता है इसको क्या कहते हैं? हॉट डॉग। अभी जो दबेली बन रही है और फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा मैं यहाँ पे चटनी के साथ। हाँ। अरे बढ़िया। तो ये जो है दबेली आ गई मेरे हाथ में, और मैं खा के बताता हूँ कैसी है। मतलब इतना कुछ दे दिया ना यहाँ पे, एक झील की सराउंडिंग में अम्यूजमेंट पार्क मिल गया आपको, ट्रेन मिल गई छोटी टॉय ट्रेन, और फूड कोर्ट है ना शॉपिंग मॉल में जो हम जाते हैं, तो किड प्लेग्राउंड एरिया जो होता है, मतलब उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे ना। और ये नहीं कि मतलब एक दो है, तीन चार है, मतलब बहुत सारी है। और अगर आप पूरा दिन लगाओगे ना कि मेरे को पूरे दिन में ये चीज़ें कवर करनी है, तब भी नहीं कर पाओगे, इतना कुछ है झील में।